سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نصلي على رسول الكريم أما بعد अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ना हमारी ताकत है ना अल्फाज है हमारे पास ये अपने सब को शुक्र अदा कर सकें इतनी बड़ी नेमत पर अल्लाह सुभाना ताला ने हमें अता फरमा दीजिए। इनमें कोई तकल्लुफ़न जो अल्फाज आपके सामने नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत है कि इन नेमतों का ख़ास तौर पर इस नेमत का असर और पता उस वक्त से लेगा जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे कि कैसी बड़ी अल्लाह ने नेमत दी थी हमें रमज़ान शरीफ की। इब्तदा है, आज पहला रोज़ हम ख़त्म करने वाले हैं। शुक्र के साथ जो नेमत दी है अल्लाह पाक ने पूरे रमज़ान, इसकी क़द्र की भी हमें तौफीक नसीब फरमाए। क़द्र उसको कहते हैं जो चीज़ जिस चीज़ के लिए दी जाए उसको आप उसी सिमत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कहा जाता है कि शख्स जो है उस चीज़ की कदर कर रहा है और उसने कदर की है। ये एक बहुत बड़ा रब का एहसान है हमारे पर। मिसाल एक मैं जहन में पेश करूँगा आपके खदर ये जो टेलीफोन है आज का हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। पूरी ज़िंदगी हमारी टेलीफोन पर घूमती है, मोबाइल पर। हर चीज़ साइंस ने इसमें आपको बंद कर दी है, लेकिन इसके साथ ही इसको मोहताज भी कर दिया है। फिलहाल अब तक तो पता है यही है कि थोड़ी देर ज़िंदगी होती है उसकी, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाते हो। अभी तक तो ये साइंस की तरक्की यहीं तक है। ये चीज़ तो दे दी है, बहुत अहम चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी बड़ी इसकी कमज़ोर है। 24 घंटे चलता है शायद, जी हाँ, फ्यूज जितने भी उसमें दिए होते हैं उसके बाद नम सारी इसकी जो फाजिल ख़त्म हो जाती है। अब आपकी जेब में ना आप टेलीफोन कर सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं, एमरजेंसी में डॉक्टर को नहीं बुला सकते, पहली पोजीशन में आ जाते हैं आप। ऐसी है ना, उस सारी वो सारा जो हमारी सलूत थी वहीं की वहीं पड़ी की पड़ी, टेलीफोन बेकार। तो उसके हेल्प के लिए उन्हें एक काम कर दिया, ये भी काम करता रहिए ना तो बेकार हो जाएंगे, फ़ायदा नहीं ले सकेंगे लोग उससे। तो जब भी आप टेलीफोन लेने जाएंगे, बड़ा से बड़ा कीमती भी अब तो टेलीफोन जो भी आप लेने जाएंगे, उसके साथ आप एक चीज़ ज़रूर मांगेंगे या खुद देगी कंपनी आपको, उसको कहते हैं चार्जर। आप जाएंगे एक कितने के टेलीफोन, 1000 की चीज़ में टेलीफोन दे दें, वो तो बेकार है। तो उसके साथ आप ये चार्जर ज़रूर देंगे, मजबूत किस्म का चार्जर दें। मौजूदा दौर के हिसाब से जहन में जो बात आई है आपको समझाइए, ठीक है ना। कीमती से कीमती आप ले लें, लेकिन बेकार है। जरूरत किस चीज़ की है, चार्जर की है।
इस्लाम बहुत कीमती है। अल्लाह के नज़दीक इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं थी, कीमती चीज़ें तो दीन इस्लाम कुरान में कहता है। अल्लाह ने कहता एक ही मज़हब मैंने चुना है जो तो अभी नहीं आया, कहता जब से कायनात मैंने पैदा की है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लिए दीन एक ही मैंने चुना है, वो इस्लाम है। ये आदमियत के रंग में आया, ये इब्राहिमियत के रंग में आया, नूह के रंग में आया, ईसा के रंग में आया, ये मूसा अलैहिस्सलाम के रंग में आया, या इमाम अंबिया के रंग में आया। कहेंगे वो ये मैं दीन इस्लाम लेकर आया हूँ, उसको जवाब कर रहा हूँ आपके लिए, ऐसे है। इतनी बड़ी कीमती अल्लाह दी है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने इसके साथ हमें चार्जर भी दे दिया है। अजीब बात है, वही मामला है बस, है बहुत कीमती चीज़ अल्लाह ने हमें दे दी। क्या है इस्लाम है, मुसलमान है, डट के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र भी करते हैं, करना चाहिए, बिल्कुल सीधे रास्ते पे अल्लाह ने। मैंने इस्लाम की बेसिक बात बताऊँ, कोई भी मुसलमान किसी भी हिसाब के हो, किसी मसलक का हो, लेकिन क्या इस बात पर पड़ा ऊँचाओं के कहेगी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सीधे रास्ते पे। सच क्या अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, अंबिया को मानते हैं, जिसने मान लिया बड़ा फख्र करेगा अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई ख़तरा नहीं है। मांगी छोटी मोटी चीज़ें नमाज ऐसे पढ़ लो फलां को, भाई इस पर तो फिर मामला तो उससे सबसे बड़ी कीमती चीज़ को हासिल। अब होता ही है कि इतनी कीमती चीज़ है, लेकिन इतने कीमती टेलीफोन ले लें आखिर चलते चलते डाउन हो जाता है, तो क्योंकि दुनिया की जो टेंशन बड़ी ज़बरदस्त है, नफ़सानी ख्वाहिशात इंसान की हमेशा साथ हैं, शैतान पूरा ताकत से इंसान के साथ है, वो उसको कमज़ोर करते हैं। जो नमाज में हालत होती है, नमाज के बाद हालत को बिगाड़ता है, जिक्र में बैठता है, जिक्र के बाद फिर बस उसे पैदा कर देता है, फिर बेचारा मेहनत करता है, उमड़ा करके आते हैं, उमड़ के बाद फिर कुछ दिन बाद फिर बेमरा हो जाता है, उसका भी ख़त्म हो जाती है, ख़त्म बैटरी फेल हो गई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसके साथ हमें जो दिया है चार्जर, उस चार्जर इसलिए दिया है कि इसके साथ जो है हमारी बैटरी चार्ज हो जाए और फिर मुफीद हो जाए इसी तरह से। तो रमज़ान वाली चार्जर है भाई, ये कोई ना आपको नमाज पढ़ाना है, ना कुरान पढ़ाना है, ना ही आपको तरावी पढ़ाने हैं, ना रात को जगाने हैं, ना भूखा रखने हैं, ये चार्जर है। चार्ज लगाएंगे आप तो भी टेलीफोन में चीज़ होगी, सारी चार्ज ही होगी ना, ये नहीं होगी, उसमें जो भी चीज़ें फंक्शन करने वाली हैं सब चार्ज हो जाती हैं एक चार्जर से। तो रमज़ान के अंदर ये खासियत है, इंसान के अंदर जितनी भी सलाहियत हैं वो सारी चार्ज हो जाती हैं, सारी सारी चार्ज हो जाती है उसकी, नमाज पढ़ने की हालत, तलावत करने की हालत, गुनाह छोड़ने की हालत, अच्छाई करने की हालत, जो चीज़ें देखें ना तब्दील होती हैं, हो ही है नहीं, इसमें बैठे ना मंदिर बने बैठे हैं सारे, हमसे बड़ा कोई मुत्तकी कोई नहीं सोचे, बिल्कुल सब कुछ भूले बैठे, सुभान अल्लाह, दिल नहीं कर रहा, करेंगे तो नहीं करेंगे, ना ना ये रोज़े से कितना बड़ा चार्जर है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी बैटरी चार्ज कर देता है पहले ही रोज़े, तो ये है अल्लाह की नेमत, इतनी इसलिए दी अल्लाह पाक ने, ये बंदे चार्ज हों और ये फिर मैं अपने। अच्छा होता क्या, क्यों चार्ज किया जाता है टेलीफोन, क्यों चार्ज करते हैं हम, इसलिए कि टेलीफोन चार्ज होगा तो काम करेगा, फंक्शन करेगा, काल में लाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह बंदा जब चार्ज होता है
तो फिर क्या होता है? सुबह चार्ज होने के बाद उसकी निशानी ये है कि सही चार्ज हुआ या नहीं हुआ। टेलीफोन के चार्ज होने के बाद ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ कि चार्ज पे लगा दिया, आधे घंटे के बाद देखा वहीं का वहीं है, पता चला चार्ज सही अंदर नहीं गया या उसका स्विच लगाना भूल गया, फिर बड़ा अफसोस होता है। तो फिर लगे तब तो टाइम भी नहीं, इतने से कैसे चार्ज करें? मेरे साथ तो एक अदब हुआ शराब के साथ हुआ। तो चार्जर अच्छी तरह फिट हो फिर काम चलता है। चार्जर तो लगा है लेकिन वो मैंने देखा तो वो काम ही नहीं करा, पता चला चार्ज नहीं हुआ। इसी तरह रमजान का चार्जर तो लग गया, रमजान आ गया, लेकिन इसका पता कैसे चलेगा कि सही चार्ज हो गए हम? पता कैसे चलेगा फुल चार्ज हो गया? टेलीफोन उस वक्त पता चलेगा फुल चार्ज हो गया जब वो काम करने लगता है। तो हमारा भी उस वक्त पता चलेगा कि हम फुल चार्ज हुए जब हम अपने मकसद को हल करना शुरू कर देंगे। नहीं समझ बात? चार्जर हमारे क्या है? रमजान। हमें जब पता चलेगा कि रमजान से हमारी बैटरी चार्ज हो गई है, जब हम अपने मकसद पर चलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो है एक साल पूरा हमें मकसद से घुमा देता है, किसी किसी जगह लगा देता है, किसी किसी काम पे लगा देता है, किसी किसी काम पे लगा देता है। छोटा मोटा तो शेख जो है उसको गर्म करता रहता है, मुझे दुआ तू नमाज पे जा, तू फला नहीं कर, वो चार्ज करता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह आदमी चार्जर है ना, मना करे तो आदमी फिर पीछे जाना शुरू होता है आस्ता आस्ता। वो दुनिया में जो बेचारा किसी गम की वजह से, किसी वजह से, किसी चीज़ में कमजोर, किसी तो फिर शेख से उसको पकड़ता है, फिर उसको चार्ज करके फिर लगाते हैं उसकी बैटरी। इसलिए अल्लाह की जरूरत पड़ती है भाइयों। जैसे एक साल के बाद हमें रमजान की जरूरत पड़ी है तो शेख की हर वक्त जरूरत पड़ती है। जिसको ये चार्जर होना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम करता रहता है, सही है ना? इसलिए कहते हैं शेख के पास जाओ, रमजान सब सिखाया गया ना। तो पता जब चलेगा चार्ज कि भैया रमजान आया, ये बंदा चार्ज हुआ ही नहीं हुआ, इसके मतलब नहीं रमजान हो गया तो रोजे रख लिए सीख रमजान, हमने ताबीक पढ़ लिया रमजान हो गया, इतने कुरान पढ़ लिए रमजान, नहीं नहीं नहीं, ये चार्जर है। चार्जर का पता चलेगा ये चार्ज हुआ है सही नहीं हुआ, और उस वक्त पता चलेगा जब कि यह फर्क करना शुरू कर देगा। जब असल काम शुरू कर देना ना करना, समझिए चार्ज हो गया, उसका रमजान मकबूल हो गया। तो अब हमने देखना है कि हम असल चार्ज हुए नहीं होंगे अल्हम्दुलिल्लाह के बाद, इसकी मदद होती है। अक्सर चार्ज कब होगा इंसान? जब अपने मकसद पर चले। वजह यह कि हम साल भर शैतान नफ्स में अपने मकसद से हटा देता है, और जब इंसान मकसद से हटा बिखर गया, खत्म, इधर उधर हो गया, गया किसी किससे लगा दे गए, मेरा मकसद तो ये पता कहता नहीं है, लेकिन उसका मकसद जिंदगी वो बन जाता है कि सुबह उठूँ दुकान पे जाऊँ इतने पैसे कमाऊँ मकान ले लूँ दुकान ले लूँ फलान ले लूँ, ये हुआ कारोबार नहीं चल रहा, कहता नहीं है लेकिन उसकी लाइफ बता रही है, उसकी लाइफ जिस तरह गुजार है बता रही है कि इसका मकसद ये है सिर्फ, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, उसका और दूसरा मकसद है ही नहीं। इसने जरूरियत को जो है मकसद बना लिया, भूख हमारी जरूरत है मकसद नहीं है। तो उस भूख को मिटाने के लिए आप मेन मकसद को सामने रखें कि वो ना आटे, फिर आप भूख को खत्म करेंगे। नहीं समझे बात? मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ, नमाज का टाइम हो गया बंदे का, ठीक है ना, मेन मकसद हमारा क्या है इस वक्त? अब नमाज पढ़ना। नहीं समझे बात? मेन मकसद क्या है मोमिन का? नमाज पढ़ना। तो उस नमाज के वक्त अगर आदमी अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है तो क्या पता चला
कि हकीकत में अपने मकसद पर नहीं, मकसद से हटा हुआ है, मकसद उसका वो चीज बन गई जिस नमाज को छोड़ के जो वो काम कर रहा है। बात नहीं समझ आई? अगर वो समझता कि नमाजी मेरा मकसद है तो उस चीज को छोड़ देता कि मेरा मकसद तो ये नहीं, अब असल मेरा मकसद तो नमाज पढ़ना है, मैं इसलिए हूं, वजूद मेरा कायम इसलिए है, मैं पैदा इसीलिए हुआ था, तो ये मेरा असल मकसद नहीं है कि मैं इसी, वो तो मेरा जरूरत है। अपनी जरूरत को खत्म करके वो असल मकसद की तरफ चलता है। हम क्या करते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी जो घूमती है मकसद मकसद जो हमारा असल, उसको खत्म करके हम जरूरियात की तरफ चलते हैं। बड़े नाकाम होता है वो शख्स। रमजान जब आया तो रमजान ने काम क्या किया कि उसने जरूरियात को चार्ज हो गया ना इंसान, जरूरियात को उसने पीछे करके मकसद की तरफ लगा दिया इंसान। हर आदमी में कुछ फिक्र होगी नमाज पढ़नी है भाई, हर आदमी फिक्र भाई गुनाह नहीं करना भाई, हर आदमी फिक्र यार तभी भी जाना है भाई। अब ये फिक्र सब पे गालिब है या नहीं है? मिसाल के तौर पर आज आपने जिक्र पे आना होगा तो आप काम पे भी गए होंगे, टैक्सी चला रहे होंगे, तो एक फिक्र आपके जहन में होगी यार जिक्र पे जाने असर पर मैंने, समझे ना? ये क्या पैदा किया, चार्ज हो रहे हैं ना आप माशाल्लाह। हर आम दिनों में ये जो इस टाइम पे तो आप कभी ना आए जिक्र पे, कभी ना आए, बैटरी डाउन हुई है काम ही ना करें मार होना, लेकिन अब चार्जर लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो चार्जर हमें सही काम पे लगा रहे हैं। यही काम शेख करता है। क्यों कहता है, क्यों ये लाजम रखा गया शेख की सोबत करो, वो चार्ज रहोगे तो एक साल की बात है, हर वक्त आप बैटरी आपकी चार्ज ही करते रहता है। और इस चार्जर में अल्लाह ने कमाल ये रखा है कि जो चार्ज होने वाले हैं हकीकत में चाहते हैं, हम आखिर चाहते हैं, तो फिर वो क्या है, वो सिर्फ उसको देख के चार्ज हो जाते हैं। जैसे सामने से आगे नमाजें याद आती हैं, देखते ही जब अपने शेख को देखते हैं कुछ याद नहीं आता, नमाज याद आती है, जिक्र याद आता है, या कोई ऐसी काम याद आता है जिसमें कमजोर है वो, है नहीं सर। और चार्जर क्या होता है भाई, तो मेन चार्जर आप रमजान हमें एक साल के बाद अल्लाह पाक बिल्कुल डाउन हुए होते हैं, और डाउन होने का हमारा साइन क्या है कि हम मकसद से हटे होते हैं। जो इंसान मकसद से हट जाता है वो तो फिर बिखर जाता है। असल में शिर्क मुशरिक हुए होते हैं, बुतप्रस्त हुए होते हैं, तबाही मचाई होती है हमने अपनी जिंदगी के साथ, एक नाम के दीन दिए फिरते हैं, फिर उसको आकर बताता है मकसद से इंसान हट जाता है। क्यों, हमारा मकसद क्या है पैदाइश, पैदा क्यों है? खलकल जिन्न वल इंस लियाबुदून, अल्लाह ने मकसद बताया हमारा कि सिर्फ तुम्हें सिर्फ मैंने इस एक मकसद के लिए पैदा किया है, और वो क्या है, मेरी इताअत करना। मेरी कितनी बड़ी बात है कि मेरा मकसद सिर्फ इस दुनिया में कायम होने का एक ही है कि मैं अपने रब को इताअत करूं, उसकी परस्तिश करूं, दूसरा काम ही नहीं है मेरा, कोई काम ही नहीं है दूसरा मेरा, सुबह से लेकर रात तक मेरा एक काम है बस, क्या, अल्लाह की इताअत करो। ये तो होता है मुसलमान जो ला इलाहा पढ़ता है, ये तो फर्क हो जाता है दूसरों से। अगर दूसरों वाले सारे काम हम कर रहे हैं, हम कहते हैं हमने कलमा पढ़ लिया, कौन सा कलमा पढ़ा है आपने, ये तो कोई काम नहीं पढ़ा, क्योंकि जो मकसद हमें दिया गया है उस मकसद पे आप चल ही नहीं रहे, तो वो भी वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट ही नहीं किया कलमा। सही है नहीं बात भाई? तो अब ये है मकसद कि मकसद मेन हमारा है अल्लाह की इताअत करना। अल्लाह ने बताया कि तुम काम सिर्फ एक ही, इताअत करो। जो शख्स अल्लाह की इताअत नहीं कर रहा वो अपने मकसद पे नहीं चल रहा, और जो मकसद पे नहीं चलता वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मोटरवे पे आप जा रहे हैं, पिछले रिश्ता में हमारे साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा है, मैं अभी तक बोल्टर नहीं आया, वजह की है, कहते जी गलती से साइन भूल गया था, अभी हम सब हमारे थे इज्तिमा से, एक साइन को मिलास उसने छोड़ा तो हजारों चक्कर काटने पड़े, हजारों रोड को तब्दील करना पड़ा, घूमना पड़ा, उस पर देखना पड़ा वो क्या बोलता जा बता रहा है रास्ता, क्यों क्यों एक सिर्फ एक उसने मोड़ गलत काटा तो हमने जो मकसद हमारा जो ऑब्जेक्टिव बोल्टन था, हम बोल्टन से पता नहीं कौन कौन से शहरों में घूमते फिर रहे थे, तो जब इंसान अपने मकसद से हट जाता है तो कई जगहों पे घूमता फिरता है, उसकी जिंदगी तो घुमाई घूमती रहती है, उसको पता ही नहीं था उसको मैं जाना किधर है, मेरी मंजिल क्या है, मुझे किधर करना है, कुछ नहीं उसको पता बेचारे, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है था। लेकिन जो इंसान मकसद लेके चलता है सही राइट रास्ते पे जा रहा, पता है मैंने लंदन पहुंचना है, प्रॉपर लंदन पहुंच जाएगा सीधे रास्ते, उसको पता दिए ये रास्ता पहुंच गया लंदन, जाएगा 5 घंटे में आराम से बैठेगा, चाय शाय पिएगा, सब कुछ करेगा, जो रास्ता भूलेगा वो घूमता फिरेगा, वो जहाँ बोल्टर पहुंच जाते हैं 20 मिनट उसने घंटा लग गया, 1.25 घंटा लग गया, बोल्टर नहीं है, तो उसको क्लिक हुआ मेरे अंदर में कि क्या होता है कि इंसान जब अपने मकसद से हटता है तो इसी ही हाल उस इंसान का हो जाता है, सरगर्दा हो जाता है इंसान। तो सबसे पहले तो हम अपने बात को ये समझ लें कि हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, वो क्या है, अल्लाह ताला की इताअत करना। इबादत किसको कहते हैं, इताअत को कहते हैं, परस्तिश को कहते हैं, नमाज हम कर रहे हैं ये अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, इताअत कर रहे हैं, इताअत का नाम इबादत है। तो इताअत ये इंसान का मकसद है, हर बात अल्लाह के हुक्म मुताबिक करना, इसको इबादत कहते हैं, हर बात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसान कर रहा है, पूरी जिंदगी एक सांचे में डाल दी उसने, वो कौन सा सांचा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये मेरे रब ने कहा है, ये मेरे रसूल ने कहा है, ये करना है ये नहीं करना, ये हराम है ये हलाल है, अब तुमने जागना है, अब तुमने शादी करनी है, अब तुम्हें इस तरह करना है, इसके साथ ऐसा रिलेशन रखना है, इसके साथ ऐसा ताल्लुक रखना है, कारोबार ऐसे करना है, नौकरी करनी है तो ऐसी नौकरी करनी है, एक एक चीज ये सारी क्या आ जाती है, इताअतुल्लाह के अंदर आ जाती है। बात समझिए, तो आप इसको बात को एक्सप्लेन में समझ, मैं मेन पॉइंट आपको समझा दिया, इंसान जब अपने मकसद से हट जाए तो वो अपने गोल से हट जाता है और कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। हमारी मंजिल क्या है, आखिरत है जिस तुम जा रहे हैं, हर मुसाफिर की मंजिल होती है, हर इंसान जब चलता है ना, आप जा रहे, आप घर से चले कोई रुकता, किधर जा रहे हो भाई, मैं यार दूध लेने जा रहा हूं, आप चल रहे हैं कहाँ जा रहे हो, यार अपनी शॉप पे जा रहा हूं, आप ये सड़क पर रुक जाए, हर आदमी रोक के पूछे तू कहाँ जा रहा है, बताएगा आपको, कोई आदमी आपको शाम तक ऐसा नहीं मिले, कहते बस कुछ नहीं, बस ही निकला है, मिलेगा कोई आदमी, देखिए कोई आदमी आपको सड़क खड़े हो जाए इंटरव्यू लेने शुरू में, आप कहा जाए, हाँ मैं इसलिए जा रहा हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ, घर से आप निकल रहे हैं, पास बच्चे पूछते हैं अबू कहाँ जा रहे हैं, तो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मस्जिद पे जा रहा हूँ, बताते नहीं बताते, मकसद है इंसान का। तो कभी आपने सोचा कि अल्लाह आपसे पूछ रहा है कहाँ जा रहा है,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो क्या कर रहे हैं? मकसद कोई नहीं। आदमी कैसे पहुंचेगा आखिरत पर? मैंने बताया, जब इंसान पैदा होता है तो हर इंसान एक मकसद लेकर आता है। वो मकसद उसका क्या है कि सफर शुरू हो गया, मंजिल मेरी क्या है? आखिरत। आज इब्तिदा हो गई, फिर ये इब्तिदा हो गई, जवानी होगा, बच्चा होगा, आखिर जाऊंगा कहाँ? कब्र में जाना है मैंने। और इसकी मिसाल सारी, सबसे बड़ी मिसाल देखिए आप, दुनिया में कोई रहा ही नहीं, और जो जिसके रहे हर बच्चा क्या पूरी कायनात चाहती थी कि वो रहे, सारी कायनात चीखती थी कि ये रहे ये ना जाए। कौन थे वो? इमामुल अंबिया। उनके साथ ही कहा गया, पूछ रहे इनसे, है ना? सुभान अल्लाह। वो शान के थे ना, उनके पहले तुम जाके पूछ रहे ना उनसे कि तुम ये रहना चाहते हो तो हम तुम्हें नहीं बुलाते वापस। सुभान अल्लाह। तो ऐसी जात जिसको अल्लाह ताला चाहता है चाहे तो रह सकता है, तो उसने पसंद नहीं किया था। तो मुझे मैंने और आपने जो आप बैठे, हमें यकीन है हमने जाना है। अगर यकीन शौकियाँ खत्म हो जाए दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये नखरे ठखरे खत्म हो जाए हमारे सामने, ये मस्तियाँ जो है ना ये कब तक खत्म हो जाए। मौत एक ऐसी चीज़ है कि जब फांसी दी जाती है दूसरे इंसान को तो उसके अंदर से सारा खून खुश्क हो जाता है। कल सुबह तुझे फांसी देनी है, उसको कहो क्या चीज़ खानी है आपने, क्या चीज़ आपके सामने पेश करें, क्या करें, मुझे बताएं क्या उसको लगेगा। सो पता है कि सामने फांसी है, सुबह में फांसी भी डाल दी जाएगी। तो मोमिन की जिंदगी यही है। जो मोमिन होता है जिसका यकीन होता है उसको पता है कि मेरी जिंदगी तो मौत है। कपड़े खरीदने जाता है, कहते हैं मेरे कपड़े किस काम आएंगे, तो क्या नखरा है, तो मौत है, मौत के झटके में सब खत्म हो जाएगा। ये चीज हम हमारे से जो चीज खत्म कर देते हैं ना अंदर, तो फिर हम अपने मकसद से हम हट जाते हैं, फिर हम मकसद से हट जाते हैं। हालांकि हर लम्हा हम खींच के ले जा रहे हैं मौत की तरफ, हर लम्हा ले जा रहे हैं, हर लम्हा लेके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो भाई जो इंसान अपने मकसद पे ना हो फिर कभी मंजिल पहुंच सकता। मकसद हमारा क्या है? मंजिल हमारी क्या है? मौत है, मौत। पैदा हुए वहां में जाने, हमारा सफर जारी है। इस सफर के अंदर कामयाब कौन होता है? आदमी जो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस मौत की मंजिल से मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या है हमारे पास? मंजिल से अल्लाह सुभान की रजा चाहिए, उसके लिए इताअत चाहिए, इबादत चाहिए। जिसने ये सफर ऐसे तय किया अल्लाह की इबादत के साथ, अल्लाह की इताअत से ये तय कर लिया सफर, वो मंजिल पे आराम से पहुंच जाता है। मौत का उसको कोई फिक्र नहीं होता, एक्सेप्ट करता है उस चीज को, भाई सही सही अलहमदा काम मेरा हो गया। तो यही असल चीज है दोस्तों कि पूरा साल हमारे साथ ये काम हो जाता है कि हम अपना मंजिल भी भूल जाते हैं और मकसद भी भूल जाते हैं। तो ये चार्जर लगता है रमजान का अलहमदुल्ला, ये रमजान आया इसलिए है कि हम इसमें हंसते। अब हमने ये देखना है कि कौन इंसान किस इंसान पे सही चार्जर लग रहा है। जिस इंसान पे सही चार्जर लगेगा इंशाल्लाह रमजान के बाद वहां मकसद होकर निकलेगा, वो उसकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। तब तो समझ जाए इसे रमजान मिल गया, वरना फिर समझो ये भी है चार्जर लगा नहीं तो सही सोच नहीं लगा। तो मेरे भाइयों, वहाँ मकसद बनाए इस रमज़ान को, ठीक है ना, जो कमी हमारे अंदर है नज़र आ रही है हमें,
एक एक चीज को हमारे ये चार्ज करेगा, हर हालत को ये चार्ज करेगा, इतनी जबरदस्त चीज है, बिल्कुल वॉश करेगा आपको, पूरा कामयाब इंसान बना देगा, बिल्कुल ऐसे इंसान के आप अपने मकसद पे करेंगे, आप क्यों कि आपकी जबान से निकलेगा अल्लाह की इबादत के लिए आए, आपका एक्शन बताएगा, तो सारे हालात आपके बहुत कमजोर हो जाएंगे, दुनिया कमाने के, मोहब्बत के, प्यास, ये दुनिया के लालच थे, सब ये खुद ब खुद आपके डाउन हो जाएंगे, दिल के अंदर डाउन हो जाता है, इसकी कोई इश्तहार नहीं करता आदमी, आपका एक्शन बताता है, एक्शन बताएगा आप, ना आप हराम काम क्यों करूँ यार, हराम काम मुसीबतें आएगी, ना का नमाज छोड़ेंगे, ना कोई अच्छा अल्लाह का अहकाम को तर्क करेंगे, ना कोई हराम चीज कर जाएंगे, जरूरत ही नहीं इसकी, ना आपको ख्वाहिश होगी इतनी इतने पैसा आ जाए, फलां हो जाए, ये चीज़ हो, तब ये चीज़ दब जाएंगी यार खुद ब खुद, तो समझिए इसका जो काम कर रहा है इसका एक्शन सारा, सब सब फंक्शन काम हो शुरू हो गया इसका अल्हम्दुलिल्लाह का, ठीक चार्ज हुआ है। ये है रमजान का स्टार्टिंग भगवान, हमने चार्ज होना है, हम मुकम्मल चार्ज होना है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम जो हमारे अंदर सलाहियत हैं उनको उजागर करना है, जो जो हमारी कमी है कि जिस नमाज है, नमाज का हमें हुक्म दिया अल्लाह ने, हम वैसे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारी बैटरी फेल हुई है, इस चार्जर से अब हमारे रमज़ान के बाद मुकम्मल बेहतरीन नमाज होनी चाहिए, बाजमात नमाज होनी चाहिए, जिंदगी बा मकसद होनी चाहिए, हराम से भागना चाहिए, गुनाहों से दूर होना चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि रमज़ान की ये इब्तिदा है, तो ये इब्तिदा ही आप ने बात की है रमज़ान की कि भैया पहले हम पहले अपना मकसद सुनेंगे, हम कहाँ आए हैं, क्यों हैं, रमज़ान क्यों दिया अल्लाह पाक ने हमें, तो रमज़ान में क्यों दिया कि हमें चार्ज करना चाहता है, इसलिए कि हम डाउन हुए हैं, चार्ज से वो चार्ज करने के बाद नतीजा क्या निकलेगा कि हमारा मकसद सामने आ जाएगा कि हमें क्या किस लिए पैदा किया गया था और हम क्या कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मकसद सामने आ जाएगा, हम उस मकसद को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी ज़िंदगी जब उसके मकसद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। दुरूशी पढ़े, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तमाम बीमारों को शिफा से फरमा, या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा, या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा,
हमारे हल्के में जो खातून सुबह नरम भी करो मैंने सत्यम सुबह अलहमदिल्ला।